हे गाइस, वेलकम टू द क्लास 24। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहां पे हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जहां पे हम लोग इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, PIB, PRS, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज से मैं आप लोग लेके ऐसा सेशन लेके आता हूँ, जहाँ पे आप इंडिया में कोई से भी जॉब में हो, कोई से भी स्कूल, कॉलेजेस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस सेशन से आपको बहुत बेनिफिट है जो कि मिलता है। आप इस सेशन को 2-3 महीने एक बार रेगुलर देखिए और उसके बाद आपको खुद को अपने आप अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे जो है आपका नॉलेज का जो सोर्स है दोस्तों, वो आपको अपने अंदर बहुत अच्छा फील होगा और आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम के अंदर करंट अफेयर बहुत अच्छा से जो है 100% आंसर है जो कि सही लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग कई सारे न्यूज़पेपर कवर करते हैं। आज अगर मैं बात करूं द हिंदू के अंदर दोस्तों, 6 आर्टिकल हम लोग कवर करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस में 1 आर्टिकल है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 1 आर्टिकल है, जनसत्ता के अंदर नहीं है, और PIB PRS से 4 आर्टिकल, यानी कि नियर बाय 12 आर्टिकल्स है जो कि आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर बैच है जो कि मैंने लॉन्च किया है 2022-23 के सभी कंप्लीट करंट अफेयर टॉपिक वाइज है जो कि मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। 3 महीने की क्लासेस हैं, प्रिंटेबल नोट्स हैं, 1000 से ज्यादा MCQs आपको अवेलेबल होंगे और सिर्फ 499 रुपीज में। इसके अलावा CHSL का बैच है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जहां पे इंडिया की बेस्ट SSC की टीम आपको Tier 2 की, CHSL की, GD की, सभी की प्रिपरेशन करवा रही है। आपको करना क्या है, आपको क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, प्रिपरेशन में जाना है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर T2, T1, T2, CGL का बैच, CHSL का बैच, GD, ये सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कोट ऑफ द डे से। डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर, इट्स ए चांस टू बिल्ड समथिंग बेटर। देखो, हमेशा ऐसा होता है कि जब हम लोग एक दो बार फेल हो जाते हैं ना, तो ऐसा होता है कि डर लगता है वापस से स्टार्ट करने में, डर लगता है वापस से उतनी मेहनत करने में। स्पेशली तब आप अपनी प्रिपरेशन के अलावा कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिंदगी में। हमेशा ऐसा लगता है कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पिछला वाला तो हुआ ही नहीं, ये वापस से कैसे हो पाएगा, हमेशा ये डर है जो कि रहता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपको लगता है कि आप कुछ स्टार्ट करके नया कुछ अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए, है ना। हो सकता है उसके अंदर टाइम लगेगा, हो सकता है बहुत प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है रातों को जागना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए कुछ अच्छा जो है वो जरूर कर देंगे। आप इसको मेरी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी, आपको मालूम है कितना मतलब वाईफाई स्टडी ही एक ऐसा चैनल था जिसने पूरे देश को ये बताया था कि किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है, किस तरीके से सिलेक्शन होते हैं। और उसके बाद में आपको मालूम है आज देश में 1 लाख यूट्यूब चैनल चल रहे होंगे, तो वो सभी के सभी जो है बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब करने के बाद में मैंने वापस से क्लास 24 स्टार्ट किया है टू बिल्ड समथिंग न्यू, टू बिल्ड समथिंग बेटर। तो डेफिनेटली मतलब प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि यार क्या वापस से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन यकीन मानिए, अपने दिल पे हाथ रखिए, आपको पसंद है, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो आपको कूद जाना चाहिए, करना चाहिए, और हाथ पैर मारते मारते आप कर जाओगे, यकीन मानिए। ठीक है, सब कुछ जान लपे लगा देना चाहिए। कभी भी जब आप काम कर रहे होते हो ना, कोई भी, चाहे फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिर आप कोई जॉब कर रहे हो, तो कुछ भी लेफ्ट ओवर मत छोड़ा करो, है ना। अपना टाइम, एनर्जी, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है आपके पास, कोई भी अपनी, है ना, लोगों के पास में ईगो बहुत लेके चलते हैं, सब दांव पे लगा दो, सब कुछ उसमें झोंक दो। ओके, आप देखोगे कि अपने आप जो है आपके जो भी काम आप कर रहे हो ना, उसके अंदर ब्रिलियंट है जो कि बनते जाओगे, है ना। सब कुछ लगाना पड़ता है। कई बार लोग ऐसा होता है कि टाइम देते हैं, है ना, उसके बाद में अपने ईगो को लेके चलते हैं, मैं इससे क्यों सीखूं, ये तो मेरे से जूनियर है, दिस एंड दैट। ऐसे ईगो लेके कभी भी चलोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सब कुछ दांव पे लगाओ सीखने के लिए, और उसके बाद देखोगे कि आपका अलग लेवल पे जो है वो स्केल है जो कि ऊपर की तरफ जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर। आपको मालूम है काफी भीड़ भड़क्का होने लग गया है, दिल्ली वाला एयरपोर्ट तो अभी IGI की फोटो मैंने आपको दिखाई थी कुछ दिन पहले, ऐसा लग रहा था कि कोई बस स्टैंड नहीं होता, अपने बस स्टैंड से भी ज्यादा भीड़ आपको एयरपोर्ट पे देखने को मिलेगी। उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसका एक नया तरीका है जो कि सरकार ने निकाला है। अभी क्या होता है कि न्यू स्कैनर है जो कि मंगवाए जा रहे हैं ताकि सिक्योरिटी चेक है ना, उसको तेजी से बढ़ाया जा सके। अभी क्या होता है, जब आप सिक्योरिटी चेक पे जाते हो तो आपको अपने बैग में से इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलग रखने पड़ते हैं, बाकी बैग अलग रखना पड़ता है, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है वो। अभी क्या होगा कि जो नए वाले जो स्कैनर्स आएंगे, जिसके अंदर ड्यूल एक्सरे, कंप्यूटर टोपोग्राफी, न्यूट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है, उससे क्या होता है कि आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है कुछ भी सामान,
आप अपना बैग रखो, साथ में ही इलेक्ट्रॉनिक और साथ में आपके जो भी कपड़े हैं, किताबें हैं, मतलब सारे की सारी चीजें एक ही साथ में स्कैन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी गेट पे प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। दुनिया के बहुत देशों में ऐसा होता है, दुनिया के बहुत देशों में ये वाली जो हमारे पुराने तरीके चल रहे हैं ये भी चलते हैं, और लेकिन स्पीड अप करने के लिए बेस्ट होता है कि आप अपना सामान रखो, अपने आप निकल जाए और आप अपना चेक करके, तो उससे स्पीड अप हो जाएगा, तो इतनी भीड़ भड़क का नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है कि लोगों की फ्लाइट नहीं छूटेगी, है ना, ये वाली कहानी है। तो वो यहाँ पे दोस्तों किया जा रहा है, आने वाले दिनों में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को दूर करके नई स्कैनर टेक्नोलॉजी है जो कि एयरपोर्ट पे अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे बात करी गई है दोस्तों दिल्ली के एलजी के ऑर्डर को लेकर, जिसमें 97 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी से रिकवरी करने की बात करी गई है। क्यों करने की, क्योंकि पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट है जो कि इनके द्वारा दिया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तमिलनाडु के अंदर दोस्तों जॉब सीकर्स को एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि देखने को मिला है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको मालूम ही है कि नौकरी के लिए तो लोग कुछ भी करेगा, है ना, वो वाली कहानी होती है। सरकारी नौकरी के लिए तो बस कुछ भी, चाहे पैसे देने पड़े, खिलाने पड़े, कुछ भी हो। तो तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ कि कई सारे यूथ से 2.5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए ये बोल के ले लिए गए कि भाई रेलवे के अंदर हम आपकी नौकरी का जुगाड़ करवा देंगे। लोगों ने पैसे दे दिए, ठीक है। 25 ऐसे युवा जो है उनको दिल्ली लाया गया, डेली स्टेशन के ऊपर खड़ा करके ट्रेन गिना रहे, लोग गिना रहे, ट्रेन के डब्बे गिना रहे, ऐसे कई दिनों तक गिनाते रहे। और उन्होंने ये बोला कि भाई आपका ये ट्रेनिंग का पार्ट है और वो बेचारे सारे के सारे युवा जो है सरकारी नौकरी की चाह में ये सोच रहे थे कि उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो डेली उन जो जो यहाँ पे जिन्होंने ये स्कैम किया है उन्होंने बंदों को खड़ा कर दिया स्टेशन के ऊपर, बोला कि जाने आने वाली सारी ट्रेनें गिनो, कितने लोग निकल रहे हैं ये भी गिनो, और कितने डब्बे लगे हुए ट्रेनों में ये भी गिनो। कई दिनों तक गिनने के बाद में समझ में आया कि यार ये आगे तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो पता किया तो पता चला कि भाई ये तो फ्रॉड निकले, ऐसा कुछ भी जॉब वॉब नहीं लगती है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अराइवल डिपार्चर कोचेज को गिनना डेली के 8 घंटे की ड्यूटी है जो कि उनके लगा दी गई, ठीक है। क्या क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे LSE इश्यू को लेकर है और यहाँ पे आतंकवादियों को लेकर है। तो ये आपका फ्रंट पेज है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए दिल्ली के जो LG है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बोला है दिल्ली के नरेश कुमार को कि वो रिकवर करे 97 करोड़ रुपी विद इंटरेस्ट, किससे, आम आदमी पार्टी से। क्योंकि 2015 और 2016 में इन्होंने क्या किया है, पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट है जो कि दिया है, समझ गए मेरी बात। तो LG के द्वारा यह बात बोली गई है दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी को कि यह पैसा है जो कि आम आदमी पार्टी से रिकवर करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सालों पहले ही ये बात बोली थी कि भाई कोई भी सरकार का पैसा पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट में नहीं लगाएगी। पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब देखो सरकार के पास जो भी पैसा आता है वो तो जनता का पैसा होता है जो कि उसको लगाना होता है। अब सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, एडवर्टीजमेंट दे सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई सरकार ने कौन सी स्कीम जो है इंप्लीमेंट करी है, कौन सी स्कीम इंप्लीमेंट हुई है ना, कोई नई स्कीम हुई है तो उसकी जानकारी के लिए आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सरकार के पैसों पे पॉलिटिकल पार्टीज और CM अपना चेहरा वगैरह दिखा के, एकदम बड़ा पोस्टर दिखा के, सेल्फ प्रमोशन करके और खुद की पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट है जो कि जनता को गिनाते हैं। तो कुल मिला के क्या हो गया कि एक पार्टी ने जनता का पैसा काम में लिया एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो उसको पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट कहते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट भी होता है अगर आप ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हो तो उस चीज को। तो 2015-16 के अंदर जो है जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने दोस्तों दिल्ली सरकार के ऊपर जांच करी और जांच के अंदर दोस्तों 97 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट है जो कि पाया। और 2016 का जो ऑर्डर था कमिटी ऑन कॉन्टेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, ये 3 मेंबर की बॉडी है जो कि बनाई गई थी सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में, तो उनके द्वारा ये फैसला आया था और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए LG ने है जो कि कहा है। और अभी ये सिर्फ दिल्ली पे क्यों हुआ है, बाकी राज्यों पे क्यों नहीं हुआ, वो तो खैर आपको मालूम ही है कि ऑब्वियसली दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल पार्टी अलग है, सेंट्रल में अलग है, इसलिए ये पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट का मुद्दा है जाके उठाया गया। हालांकि दोस्तों अगर आप देखोगे तो दिल्ली सरकार हो या फिर कोई सी भी सरकार हो, सभी राज्य मेजरली जो पैसा खर्च करते हैं वो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट ही होता है, है ना। वहां पे CM के आप देखोगे बड़े बड़े फोटोज होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में साफ तौर पे बोल रखा है कि अगर आप सरकार की नीतियों को गिना रहे हो तो CM को प्रमोट करने की जरूरत नहीं, आप नीतियां बताओ, एडवर्टीजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग का एडवर्टीजमेंट जो होता है इसका पर्पस क्या होता है, जनता से अपील करना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसके लिए,
वोट्स के लिए, पूरा गेम किसका है, वोटों का गेम है, तो वोट्स के लिए। और वोट के लिए दोस्तों क्या करना है, मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, तो ये फाइनेंशियल जो भी हेल्प होगी, कोई भी सपोर्ट होगा इलेक्शन कैंपेन में, वो क्या होगा, सरकार के द्वारा होगा, यानी कि पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग है जो की होगी। इलेक्शन कमीशन ने 2013 के अंदर दोस्तों एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी किया था, है ना, कि कोई भी प्री सर्टिफाइड पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट रूल भी अप्लाई करे थे सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर, कि भाई कोई भी फेक प्रॉमिस सोशल मीडिया, अब पॉलिटिकल पार्टीज तो कुछ भी बोल सकती है मतलब अपने आप को वोट लेने के लिए, तो इस तरीके के फेक और एडवर्टीजमेंट ज्यादा नहीं हो, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने भी पहले इसके ऊपर बोल चुका है। इनफैक्ट ट्विटर ने तो बैन ही कर दिया था, ट्विटर ने तो ये बोल दिया था कि हम पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट चलाएंगे ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा राजनीति होती है, जनता तो बेचारी जनता है, उसको पता नहीं होता सच क्या है झूठ क्या है ना, तो फेक न्यूज भी बहुत चलती है इसके अंदर, डीप फेक भी बहुत चलता है। डीप फेक का मतलब होता है कि फोटो किसी और की है ना, एडिटिंग करके किसी और की चिपका दी है, बोला किसी और ने है, उसकी वॉइस ओवर करके किसी और की बोल दिखवा दी है, तो ये डीप फेक इसको कहते हैं। पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट ये बिगेस्ट चैलेंजेस होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइननेस नजर नहीं आती है। डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जैक डॉर्सी ने भी, सीईओ ने भी दोस्तों स्टॉप कर दिया था पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट ट्विटर के ऊपर। फेसबुक के फाउंडर जो जुकरबर्ग के दोस्तों, वो तो आपको मालूम ही है पैसा ही पैसा होगा, उन्होंने तो मना कर दिया था कि हम इसको बैन नहीं करेंगे, हम एक तरीके से दुनिया में 5वें ई स्टेट है इन द वर्ल्ड, ठीक है, खुद को है ना, इस कंपनी एज अ पार्ट ऑफ द 5th ई स्टेट इज ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स इन द वर्ल्ड, तो फेसबुक एक नई काइंड ऑफ फोर्स है जो कि इस दुनिया में बताया था, ठीक है, उन्होंने कहा था कि भाई लोग एक्सप्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके अलावा गूगल ने भी दोस्तों एडवर्टाइजिंग पॉलिसी इंडिया में लॉन्च करी थी, जिसमें मैंडेटरी कर दिया था कि पहले आपको प्री सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म पे लेके आती है। तो गूगल दोस्तों फर्स्ट सिलिकॉन कंपनी बन गई थी जिसने इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के ऊपर काम किया था, समझ गए मेरी बात, तो ये मुद्दा है। अब क्यों दोस्तों इनके ऊपर स्ट्रिक्टली रेगुलेशन होना चाहिए, चाहे कोई सी भी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हरियाणा, कोई सी भी हो, पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट के ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होने बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है जब आप एडवर्टीजमेंट पे आ जाते हो और बहुत लार्ज एडवर्टीजमेंट पे आ जाते हो, तो फिर क्या जनता बेचारी सच और झूठ के बीच में भेद नहीं कर पाती है, सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो काम नहीं कर पाता बेचारा। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को बोला जाए कि आप मत करो तो आपको लगता है वो सुनेगी, सेल्फ रेगुलेटरी कुछ नहीं होता है, तो ये तो काम करता नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रीडम ऑफ डिसीव भी आपको मिल जाए, कि आप कुछ भी बोल के किसी को बेवकूफ बना लो, लाइज डिसेप्शन करना, किसी को चीट करना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आता है। कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि भाई 100 बार झूठ बोलो एक ही बात को तो वो सच नजर आने लगता है जनता को, तो उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको बेनिफिट है जो कि उठाने का कोशिश करती है। एक्चुअली के अंदर न्यूज़पेपर में भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही ब्लर लाइन, बहुत ही छोटी से माइन्यूट लाइन आपको देखने को मिलेगी एडिटोरियल कॉन्टेंट में और एडवर्टाइजिंग कॉन्टेंट में, समझ गए, न्यूज़पेपर के अंदर भी यही होता है। बहुत लोग बायस्ड होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनको ये फर्क ही समझ में नहीं आता कि एडिटोरियल क्या होता है और एडवर्टाइजिंग क्या होती है, समझ गए, न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल भी आता है और एडवर्टाइजिंग भी आती है, लेकिन वो फर्क पता करने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ता है, आपको समझ होनी चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए हर चीजों का, ओके, तब पता होता है, ठीक है गाइस, ये वाली बात है। चलिए, दो चीजें होती है हमेशा, देखिए एडिटोरियल कॉन्टेंट में जो है वो बात होती है फैक्ट के साथ में, रिपोर्ट्स के साथ में, इसके अंदर किसी का ओपिनियन नहीं होता, इसके अंदर ओपिनियन नहीं होता, समझ गए मेरी बात। दूसरी बात होती है एडवर्टाइजिंग में, इसमें सिर्फ ओपिनियन होता है और इसको जस्टिफाई करने के लिए कोई हिस्ट्री का फैक्ट, कोई हिस्ट्री की बात, कोई ऐसा ऐसी चीज जिसको आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सको या जिसका कोई ऐसा डाटा ही नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा डाटा ड्रिवन चीज नहीं है, उनके साथ में प्रूव करने की कोशिश करी जाती है जिसको कोई आदमी पता ही नहीं कर सकता, समझ गए, तो कोई ओपिनियन इंसान देता है विद द हेल्प ऑफ कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में कोई पता नहीं कर सकता, तो ये होता है दोस्तों एडवर्टाइजिंग। लोगों को लगता है कि ये क्या है, ये भी एडिटोरियल है, ऐसा नहीं होता है, वो आदमी अपना ओपिनियन रख रहा है, हो सकता है ओपिनियन किस नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, एक्स की तरफ हो, वाई की तरफ हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फैक्ट के ऊपर जाया करो, कि फैक्ट क्या है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात करते हैं रूल नंबर 267 के बारे में, जो कि राज्यसभा में बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि मुद्दा जिसके ऊपर जो है काफी चर्चा है जो कि होती रहती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों नॉमिनेटेड मेंबर पीटी उषा को वाइस चेयरपर्सन की पैनल के अंदर है जो कि इंक्लूड किया गया है, समझ गए, तो अभी नॉमिनेट किया गया उनको राज्यसभा की मेंबर। आपको मालूम ही है जो हमारे एथलीट
अपने ओलंपिक कमीशन जो है, क्या बोल, एथलीट कमीशन है, उसकी भी हेड है जो कि ये बनी है, साथ में फॉर्मर एथलीट तो रह चुकी है, खैर, और राज्यसभा में जो चेयरपर्सन होते हैं, है ना, जो वीपी होते हैं, अगर वो नहीं हो काम पे, डिप्टी वाइस चेयरपर्सन भी नहीं हो, तो उसके बाद में जो एक पैनल होता है जो कि राज्यसभा का काम देखता है, ओके, उसको बोलते हैं वीसी, वाइस चेयरमैन पैनल, तो उसके अंदर इनको इंक्लूड किया गया है, समझ गए मेरी बात। यहां पे हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए रूल नंबर 267, अब देखो ये पेपर में आपसे सवाल है जो कि पूछा जा सकता है अगर आप सिविल सर्विसेज या फिर आपके स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो रूल 267 ये क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसी, देखो क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर है ना एक दिन में बहुत सारे काम होते हैं, अगर कोई ऐसा मुद्दा अपोजिशन वाले लेके आ जाए और ये बोले कि भाई आज के दिन कोई काम नहीं होगा, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर चर्चा होगी पूरे दिन, समझ गए मेरी बात। तो ये ऐसा रूल है एक्चुअली के अंदर। रूल 267 दोस्तों ये बात बोलता है कि आप कोई भी डिबेट है जो कि कर सकते हो, जो किसी इंपॉर्टेंट इश्यू के ऊपर है, और जो सस्पेंशन हो जाता है पूरे दिन का, और जो प्रेजेंट में काम होता है उसका सस्पेंशन है जो कि एक दिन के अंदर होता है। ऐसा दोस्तों 1990 से लेके 2016 तक जो है 11 बार हो चुका है पहले कि इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर डिस्कशन हुआ और पूरे दिन का कामकाज को साइड में रखा गया, ओके, लेकिन 2016 के बाद से नहीं हो पाया अभी तक ऐसा 2022 तक। तो यहां पे एक्चुअली में जो अपोजिशन है उनके द्वारा पूछा गया था कि एक सिंगल नोटिस जो है वो भी अपोजिशन के द्वारा अभी तक विंटर सेशन में एक्सेप्ट नहीं किया गया, जो मूव किया गया था, तो उसी को लेकर यहां पर बात करी गई है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में होता क्या है। पार्लियामेंट में दोस्तों दिन की शुरुआत होती है सुबह 11 बजे से, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं और मैं आपको फ्रिक्वेंटली बताता रहता हूं। हाँ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो कि पीटी उषा बनी है, है ना। पीटी उषा वो पर्सन है जिनको एक सेकंड की कीमत उनसे ज्यादा पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि एक सेकंड का जो 1/100 होता है ना, उस पार्ट से दोस्तों ये ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल है जो कि इनका रह गया था। सोचिए एक सेकंड नहीं, एक सेकंड का 1/100 सोचिए, तो एक सेकंड की कीमत तो सबसे खतरनाक पूरी दुनिया में इन्हीं को पता होगी, अदरवाइज ये ओलंपिक पार्टिसिपेंट नहीं, ये ओलंपिक मेडलिस्ट होती, और बहुत ही अमेजिंग एथलीट है। बहुत अच्छी बात है कि ओलंपिक एसोसिएशन ने इस बार जो है पीटी उषा को चुना है। एक स्पोर्ट्समैन ही होना चाहिए हमेशा, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ये बात को। चलिए आगे बात करते हैं। सुबह 11 बजे दोस्तों देश के जो है वो सारे के सारे मंत्री जी जो है, सारे MPs हैं जो कि आते हैं लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, तो 11 बजे से लेकर जो है 5 बजे तक तो चलती है आपकी राज्यसभा, और 11 बजे से लेकर 6 बजे तक चलती है दोस्तों लोकसभा, समझ गए, ये टाइम पीरियड है, ओके। और 11 बजे जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो भी आपने पहले डिस्कशंस होते हैं, जो भी पहले सवाल जवाब होते हैं, जो पहले कोई मंत्री पूछ रहा होता है, MP ने किसी मिनिस्टर से कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब होगा। 12 से 1 बजे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 0R, 0R दोस्तों वो आर होता है जिसके अंदर, ये तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन आ रहे हैं 11 से 12, तो क्वेश्चन आ रहे हैं जो पहले से प्री डिफाइंड क्वेश्चन है ना, उनको मंत्री अपने अपने मंत्री उनके जवाब है जो कि पार्लियामेंट में देते हैं। डेली हम लोग पढ़ते ना कि डाटा देते हैं कई सारे मिनिस्टर्स लोकसभा के अंदर, तो वो 11 से 12 के क्वेश्चन आर के बीच में देते हैं। 12 से 1 बजे होता है दोस्तों 0R, जिसके अंदर चिल्लम चिल्ली मस्ती है, लड़ाई दंगे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा ना मिर्ची विर्ची तक एक बार तो पार्लियामेंट में किसी ने फेंक दी थी, तो जो भी आप देखते हो गुत्थम गुत्था होते हुए वो 11-12 से 1 के बीच में देखते हो, कोई आंख मार रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो सब ये वाला होता है 12 से 1 वाला टाइम। फिर उसके बाद सारे के सारे मंत्री लोग थक जाते हैं, है ना, इतना बोलना पड़ता है भाई, पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें चल रही होती है, जोक्स अपार्ट, ठीक है, तो 12 से 1 के बीच में सब थक जाते हैं इतने जो है काम करके। फिर 1 से 2 के बीच में चलता है लंच, 1 घंटे का बढ़िया लंच होता है। फिर 2 बजे से लेकर दोस्तों 5 बजे तक होता है राज्यसभा का टाइम पीरियड, जिसमें लॉज बनते हैं, बजट पास होता है, सारे काम होते हैं, और लोकसभा दोस्तों 6 बजे तक चलती है। तो ये पूरा का पूरा आपका पार्लियामेंट का दिन है जो कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए 0R के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक तो स्पेशल मेंशन और एक कॉलिंग अटेंशन। 0R के अंदर यहां पे उल्टा लिख देंगे क्वेश्चन आर, 11 से 12 क्वेश्चन आर, 12 से 1 0R, हाँ ये यहां पे उल्टा लिखा हुआ है, ये यहां पे आएगा और ये यहां पे आएगा, ठीक है। 0R 12 से 1 होता है, 11 से 12 होता है आपका क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर में 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होते हैं स्टार्ट और एक होते हैं अनस्टार्ट।
स्टार्ट वाले वो होते हैं जो कि आपको रिटर्न में आंसर चाहिए होते हैं, जिसके आप एमपी हो, आपने इलेक्शन के टाइम पे वादा किया था जयपुर के अंदर कि भाई आपके लिए एक यूनिवर्सिटी ओपन करूंगा। अब सरकार को हो चुके हैं 2-3 साल बने हुए, आपको भी मंत्री बने हुए हो चुके हैं और वहां पे यूनिवर्सिटी छोड़ो, वहां पे एक छोटा सा नर्सरी का स्कूल भी नहीं खोला आपने। तो एमपी जो है वो पूछेंगे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से कि भाई आपने इलेक्शन के टाइम पे मुझसे बुलवाया था, वहां पे यूनिवर्सिटी जनता मेरा गला पकड़ रही है, बताओ क्या करना है। तो ये सवाल जो है वो एमपी पूछेगा एजुकेशन मिनिस्टर से कि वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोल रहा था आपने करने के लिए ओपन, क्या हुआ उसका। फिर सेंट्रल मिनिस्टर आके जवाब देंगे, रिटर्न में भी दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपको कैसे चाहिए। स्टार्ट वाले होते हैं जो कि एक ही क्वेश्चन पूछना अलाउ होता है, रिटर्न में रिप्लाई मिलता है, और अनस्टार्ट में आप एक के बाद एक दो सवाल पूछ सकते हो, उसमें ओरली मिलता है। तो ओरली आप मंत्री जी बोल देंगे कि देखो अभी तो हम वहां पे बजट वजट पास किया है, अभी हम स्टार्ट करेंगे काम। तो फिर आप आके अपने एरिया में बताओगे कि देखो भाई मंत्री जी ने से मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने बोला है कि अभी तो बजट पास हुआ है, अब होगा यहाँ पे काम वाम, ठीक है। इस तरीके से तो वो क्वेश्चन आर में इस तरीके से होते हैं काम, है ना। दूसरी बात, जीरो आर में दो स्पेशल मेंशन और कॉलिंग अटेंशन, ये दो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझने की कोशिश करें। कॉलिंग अटेंशन के अंदर क्या होता है, रूल होता है 180, ध्यान रखिएगा। जैसे कि 267 के अंदर इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर अर्जेंट डिस्कशन होता है और सस्पेंशन होता है ना, उसी तरीके से रूल 180 जो है राज्यसभा के अंदर वो क्या करता है कि परमिशन ले सकते हो आप चेयरपर्सन से, और कोई भी ऐसा अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की कोई बात है वो मुद्दे के अंदर चर्चा है जो कि बन सकती है। कोई भी एमपी बोलता है कि भैया ये अर्जेंट मैटर इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर 15 मिनट है जो कि चर्चा कर ली जाए, पहले से उसने बता दिया, है ना। तो अगर लगता है चेयरमैन को कि हाँ है सच में अर्जेंट है, तो उसके ऊपर कॉलिंग अटेंशन है जो कि हो जाता है रूल 180। उसी प्रकार से स्पेशल मेंशन भी होता है रूल 180 का, ए से लेकर ई तक, ओके। और इसके अंदर भी वही होता है, अर्जेंट मैटर के ऊपर बात होती है, लेकिन 250 वर्ड से ज्यादा आप इसके अंदर नहीं दे सकते हो, है ना। कोई भी मैटर इंपॉर्टेंट मैटर आप 250 वर्ड के अंदर अंदर ही होना चाहिए, ओके। और एक ही स्पेशल मेंशन एक वीक के अंदर अलाउ होता है, समझ गए। तो ये थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस है, कॉलिंग अटेंशन स्पेशल मेंशन, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है पेज नंबर 12। यहां पे आप देख सकते हैं ये तो आप कांग्रेस के जो अभी बने हैं नए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मोदी जी, है ना, पार्लियामेंट में जो है चर्चाओं के बाद साथ में बढ़िया लंच वंच करते हुए, है ना। अभी मिलेट्स का को प्रमोट है जो कि किया जा रहा है उसको, है ना। ऐसा लगता है कई बार कि पीछे से सारे के सारे दोस्त होते हैं एकदम, जो जनता में नजर आते हैं सारे मिनिस्टर्स एक दूसरे को लेकर एकदम एग्रेसिव, लेकिन इस रियलिटी बताया गया है कि पीछे सब दोस्त होते हैं, इनके कोई काम किसी के कोई सी पॉलिटिशियन के रुकते नहीं है, चाहे कोई भी सत्ता के अंदर हो। मतलब जनता के सामने दिखाना ऐसा होता है एकदम कि एकदम दुश्मन है एक दूसरे के, रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। दे नो कि भाई पॉलिटिक्स में ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी आप आओगे कभी हम आएंगे, तो वो हमेशा यारी दोस्ती ताजा माजा पक्की रहती है वैसे। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 12, यहां पे बात करेंगे संगतम को लेकर। देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया यहाँ पे अवार्ड, और साथ में एक हो गया आपका सबमरीन, और एक और इंपॉर्टेंट है एक हो गया आपका यूनेस्को। ये तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो कि हम लोग पेज नंबर 12 पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनेस्को के लेकर। देखो यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है हमारी इंडिया की, उसके अंदर तीन और नई साइटें जो कि इंक्लूड करी गई है, यूनेस्को के अंदर नहीं करी गई है अभी, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में करी गई है। देखो होता क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने मॉन्यूमेंट्स को भेजती है किसके लिए, नॉमिनेशन के लिए, ओके। और यूनेस्को क्या करता है कि टेंटेटिव लिस्ट में डाल देता है कि भाई फ्यूचर के अंदर इनमें से हम आपको क्या करेंगे, इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का स्टेटस है जो कि दे देंगे। तो ये वो सारी साइट होती है टेंटेटिव लिस्ट वाली जो फ्यूचर में यूनेस्को हेरिटेज साइट बन सकती है। तो नॉमिनेशन के लिए ऐड है जो कि टेंटेटिव लिस्ट में कर दिया गया। हमारे इंडिया से जो है ना राइट नाउ अभी 52 ऐसी साइट है जो कि टेंटेटिव लिस्ट में आ चुकी है, अब इनमें से फ्यूचर में यूनेस्को साइट भी बन जाएगी। अभी रिसेंटली तीन कौन सी नई साइट इंक्लूड करी गई है, एक तो गुजरात का वाडनगर टाउन, है ना, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर वाडनगर है, मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिक टाउन है, और 8th सेंचुरी BC के यहाँ पे कई सारे आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग्स है, रिलीजियस और रेसिडेंशियल प्लेसेस आपको वाडनगर के अंदर देखने को मिलेगी, समझ गए। दूसरी बात है यहाँ पे सन टेम्पल एट मोडेरा, एक और बहुत फेमस सन टेम्पल है जो कि सन गॉड को डेडिकेटेड है, और आर्किटेक्चर और डेकोरेटिव डिटेल्स बहुत अमेजिंग है, है ना, और सोलंकी स्टाइल जो है उसके अंदर इस सन टेम्पल को बना रखा है।
तीसरा है दोस्तों उनाकोटी इन त्रिपुरा, दो तो गुजरात में हो गए और एक हो गया आपके त्रिपुरा के अंदर। चलिए तो त्रिपुरा वाला जो है ना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एशियंट होली प्लेस है ये, देखिए शिवा वर्कशिप की, मतलब काफी बड़ा यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है जहां पे नंबर ऑफ ऐसे कई सारे इमेजेस है यूनिक स्टाइल के अंदर, है ना, शिवा वर्क गॉड की जहां पे वर्कशिप है जो कि पहले के जमाने लोग किया करते थे। तो बहुत ही एशियंट होली प्लेस है जो कि त्रिपुरा के अंदर इसको माना जाता है। तो टोटल मिला के हमारे यहाँ पे 52 टेंटेटिव साइट है जो कि इंडिया की तरफ से दोस्तों हो चुकी है, समझ गए मेरी बात। बाकी यूनेस्को के बारे में बात करें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि इंडिया की है, आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे इंडिया में ये सारे के सारे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, ठीक है। टोटल मिला के 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आज के टाइम पे देखने को मिलती है, 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक जो है वो मिक्स्ड है जो कि कंचनजुंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। दुनिया में देखो 1972 में कन्वेंशन हुआ था यूनेस्को का और 1977 में हमने भी उसको ज्वाइन किया था कन्वेंशन को, और ये था कि कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो, रिलीजियस हो, कोई ऐसा नेचुरल हो, कोई ऐसी नेचुरल ब्यूटी हो, कोई ऐसा साइंटिफिक कोई बहुत पुरानी चीज हो, तो उनको यूनेस्को क्या करेगा, कंजर्व करेगा। यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग मिलने से बहुत बेनिफिट होता है, लोग वहां पे घूमने टूरिस्ट जरूर जाता है। अगर आप देखोगे किसी भी शहर में अगर आपको घूमने जाना है तो अगर आप गूगल करोगे या किसी से पूछोगे तो मेजरली आपको 90% लोग वही साइट के बारे में बोलेंगे जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, समझ गए, क्योंकि वो पॉपुलर होती है, वहां पे टूरिस्ट आते हैं, वहां पे सेफ्टी होती है, सारे के सारे सुविधाएं मिल जाती है ना, गाड़ी आना जाना, टिकट विकेट सब कुछ, एवरीथिंग सॉर्टेड आउट होता है। ओके चलिए, ठीक है गाइस, दुनिया में 6th नंबर पे सबसे ज्यादा साइट हमारी ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 40 हमारे यहां पर है। पहली साइट थी अजंता अलोरा, आग्रा फोर्ट और ताजमहल जो 1983 के अंदर इनको इंक्लूड किया गया था। मोस्ट रिसेंट है दोस्तों धोलावीरा, तो एक साइट जो है वो ट्रांसनेशनल भी है हमारी। आपको पता नहीं होगा कि जो बॉम्बे के अंदर द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कॉर्बिचर जो है, कॉर्बिचर तो आर्किटेक्चर वर्क जो है इसका ली का, ये कई सारे देशों में इसने आर्किटेक्ट किया है, तो इन सबको मिलाकर एक हेरिटेज साइट मानी गई है। हमारे इंडिया में भी है और दुनिया के और भी कई देशों के साथ के अंदर है, 6 और कंट्रीज के अंदर इसकी साइट है। तो इंडिया के अंदर 49 है जो कि टोटली इंडियन है, एक अपना टेंटेटिव लिस्ट में 49 था पहले, 3 और ऐड कर लो तो अभी टोटल 52 है जो कि टेंटेटिव लिस्ट में हो चुका है, ठीक है गाइस, है ना। कॉर्बिसियर जो है वो कई सारे देशों के अंदर इसका आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। लास्ट जो हमारे यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुआ वो आपका रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल तेलंगाना का और हरप्पा सिटी दोस्तों धोलावीरा की। ऑलराइट, रमप्पा टेम्पल 1570 में बना था और धोलावीरा हरप्पन साइट तो आपको मालूम ही है 3000-4000 साल पुरानी है जो कि मानी जाती है, ठीक है। काकतीय डायनेस्टी के द्वारा रमप्पा टेम्पल है जो कि बनाया गया था ग्रेनाइट और डोलोराइट को यूज करके। ओके, इसी प्रकार से धोलावीरा दोस्तों 2nd century BC के टाइम पे मानी जाती है। बिल्डिंग और यहाँ का वाटर मैनेजमेंट बहुत ही अमेजिंग है जो कि माना जाता है। ओके, इसके अलावा टेंटेटिव लिस्ट में ये 3 तो आई गई, इससे पहले 3 और 2022 में एड ऑन हो चुके हैं टेंटेटिव लिस्ट में। एक तो कॉनकन रीजन वाला एरिया है, एक आपका लिविंग रूट ब्रिज, डबल डेक ब्रिज मेघालय के अंदर, है ना, और एक आपके आंध्र प्रदेश के अंदर वीरभद्र टेम्पल है। ये तीनों पहले टेंटेटिव लिस्ट में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। नेक्स्ट है जो कि हम बात करेंगे अवार्ड्स और साथ में सबमरीन्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों हमने एक प्रोजेक्ट 75 है जो कि लॉन्च किया था, याद है आपको, याद है आपको प्रोजेक्ट 75 में हमने क्या किया था। मैं थोड़ा सा आपको बैक पीछे लेके जाता हूं, हम इसके बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। प्रोजेक्ट 75 में हमने क्या किया था कि 3.75 बिलियन डॉलर की डील है जो कि किसके साथ में करी थी, फ्रांस के साथ में करी थी। कब करी थी भाई, 2005 में करी थी। प्रोजेक्ट को 4 साल जो है ये डिले चल रहा है। इसमें हमने क्या किया था कि भाई 6 ऐसी स्कॉर्पियन सबमरीन है जो कि हम लोग प्रिपेयर करेंगे, 6 स्कॉर्पियन सबमरीन। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, यानी कि हमारी जो मजोगा डॉक लिमिटेड MDL करके जो कंपनी है वो हमारे इंडिया के अंदर ही खुद ही उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सबमरीन का प्रोडक्शन करेगी, समझ गए मेरी बात। ये वाली बात है, सबसे पहली जो सबमरीन बनी उसका नाम था कलवारी, दूसरे नंबर पे जो थी वो थी खंदेरी, तीसरे नंबर पे थी उसका नाम था कारंज, चौथे नंबर की जो थी उसका नाम था वेला, पांचवे नंबर की जो थी पांचवे की ये वाली है वगीर। ओके, और एक और 6 है जो कि आने वाले दिनों के अंदर
उसके ऊपर काम है जो कि खत्म होगा। तो ये कुल मिला के 6 सबमरीन का प्रोजेक्ट था, जिसमें से हमने 5 है जो कि ऑलरेडी कमीशन कर चुके हैं। ठीक है, छठी वाली जो है उसका नाम है वगशीर, इसके ऊपर काम है जो कि चल रहा है, वगशीर है ये, है ना। ये अप्रैल 2022 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था और 2023 तक इसका काम है जो कि पूरा हो जाएगा। तो ये 6 की 6 मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये पूरी बन गई है। स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन है। अभी हमारे यहाँ पे दोस्तों सबमरीन की बहुत शॉर्टेज है, हमारे पास में अरिहंत सबमरीन है और एक और है चक्रा, जो कि हमने रेंट पे ले रखी है। अरिहंत हमने खुद ने बनाई है, चक्रा हमने रशिया से रेंट पे ले रखी है, सबमरीन नहीं है। सबमरीन में क्या होता है कि ये देखिए ये पानी के अंदर रहती है, कहीं एक एक दो दो महीने तक पानी के अंदर रह सकती है, वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोडक्शन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है ना। देखी होगी बहुत सारी मूवीज के अंदर सबमरीन। तो आपने तो फ्रेंच के कोलैबोरेशन से दोस्तों हमने इसका फॉर्मेशन है जो कि किया था। ठीक है, नेवी के पास में अभी टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 15 तो कन्वेंशनल और 1 न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि सर्विस में है, जिसमें से रशिया से 4, जर्मनी से 4, रशिया क्या बोलते हैं, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, इनसे हमने रेंट पर है जो कि ले रखी है। ठीक है गाइस, तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। 30 साल पहले दोस्तों हमने एक प्लान बनाया था, सबमरीन प्लान, जिसके अंदर हमने 1999 के अंदर जिसमें हमने बोला था कि 2030 तक यानी कि 30 सालों में हमारे पास 24 कन्वेंशनल सबमरीन है जो कि होनी चाहिए, ये सोच के हमने प्लान स्टार्ट किया था। उसी का पार्ट है एक्चुअली ये प्रोजेक्ट 75 भी, जिसके अंदर P75 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है कलवारी क्लास की, जो कि हमने बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए तो टोटल 24 होगी, जिसमें से 6 जो है वो क्या होगी, न्यूक्लियर पावर्ड होगी, है ना। अभी हमारे पास में सिर्फ एक अरिहंत है, चक्रा भी है न्यूक्लियर सबमरीन जो कि हमने रशिया से रेंट पर है जो कि ले रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं एक अवार्ड को लेकर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड है जो कि दिया जा रहा है। अवार्ड का नाम है रोशनी नयार प्राइज, मैं लिख देता हूं, रोहिणी नयार प्राइज। ये रोहिणी नयार प्राइज जो दिया जाता है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, ओके, जो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है। तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरपर्सन है सुमन बैरी, उनके द्वारा यह अवार्ड है जो कि बेटर लाइफ फाउंडेशन एक नागालैंड में, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो संगठन है ना, ओके, इन्होंने 1200 लोगों को, फार्मर्स को ईस्टर्न नागालैंड में उनकी इनकम बढ़ाने के अंदर है जो कि काम किया है, तो इसलिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित है जो कि किया गया है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 13 दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इंक्वायरी बैठ चुकी है। यूएस के लॉ मेकर का कहना है कि क्रिमिनल चार्ज है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कैपिटल राइट्स के टाइम पे बहुत ज्यादा हिंसा फैलाई, लोगों को प्रोवोक किया, और इलेक्शंस के टाइम पे उन्होंने सत्ता छोड़ने पर राजी नहीं हुए, इलेक्शन हारने के बाद में भी लोगों को ब्राइब करके खरीदने की कोशिश करी, इस तरीके से बहुत सारे। तो क्या था कि इनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा, तो कमेटी ने जांच पड़ताल के अंदर पाया है कि ये सारे के सारे क्रिमिनल चार्जेस इनके ऊपर लगने चाहिए। हालांकि अब वहां की जो जुडिशियरी है वो डिसाइड करेगी, लेकिन एक कमेटी के द्वारा रिपोर्ट है जो कि दी गई है। यहाँ पे तालिबान ने दोस्तों बैन कर दिया, अफगान गर्ल जो है वो कोई भी कॉलेजेस के अंदर उनका एजुकेशन है जो कि बैन कर दी गई है। तालिबान रिजिम ऑर्डर के अंदर नेशन वाइड बैन है जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन अफगान गर्ल के ऊपर कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट तो कुछ खास ऐसा नहीं है, ये ट्रंप वाली बात मैंने आपको बताई दी है। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो ठीक है, यहाँ पे एक ही वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि है एसआरके को लेकर। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक मैगजीन है एम्पायर मैगजीन, है ना, उसने एक 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट है जो कि निकाली है, दुनिया के 50 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एक्टर उसकी लिस्ट निकाली है ना, और उसके अंदर दोस्तों शाहरुख खान का भी नाम है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, टॉम हैंक्स है, बड़े बड़े जितने भी आपने नाम सुने हैं ना सारे एक्टर्स के नाम है, शाहरुख खान का भी नाम है, अमिताभ बच्चन का नहीं है, थोड़ा अजीब बात है। बाकी शाहरुख खान भी एक्टर तो खैर बहुत जबरदस्त है, हालांकि खैर बिजनेसमैन ज्यादा बड़े हैं, वो एक्टर थोड़े कम है पिछले 10-20 सालों से। ओके, तो मैं चक दे के बाद में मुझे लगता कोई ऐसी अमेजिंग पिक्चर है जो कि शाहरुख खान बना पाए, जबकि उनके अंदर टैलेंट बहुत ही खतरनाक लेवल पे है, बहुत ही अमेजिंग एक्टर है, लेकिन वही है, नेम फेम में कोई कमी नहीं है लेकिन पिक्चरों में कोई दम नहीं है बात ऐसी है लेकिन आज बोले कि स्टार होता ना कई लोग, मतलब वो ही विल बी ऑलवेज अ स्टार, चाहे वो उनकी मूवी पिटे चले। शाहरुख खान एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है, मतलब तो उनकी मूवी चले नहीं चले चाहे दो लोग ही देखना है, ही विल बी ऑलवेज अ स्टार। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं पांडिचेरी, लक्षद्वीप एंड गोवा को लेकर, जिन्होंने टॉप किया है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अंदर। देखो क्या है कि एक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है जो कि रिसेंटली जारी किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा नहीं किया गया है, गलत मत लगाना, पेपर में सवाल बन सकता है। जो प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है ना, उसके द्वारा ये रैंकिंग है जो कि जारी करी गई है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा। तो उन्होंने जो है कई सारे पैरामीटर के ऊपर, नियर बाय पैरामीटर की बात करें तो 12 ऐसे कंपोनेंट है जो कि लिए हैं, जिसमें से 3 क्रिटिकल डायमेंशन सोशल प्रोग्रेस के इंक्लूड करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिक ह्यूमन नीड किस राज्य में कितनी है, वेलबींग वहां पे लोगों का कितना ध्यान है, और अपॉर्चुनिटी उस राज्य में कितनी है। तो 3 मेजर पैरामीटर तो ये हो गए, और इसके अंदर फिर सब डिविजन के अंदर 12 कंपोनेंट्स हो गए। 2015-16 ये इंडिकेशन जो बात करें, कब कौन से ईयर का है, 2015-16 से जो चेंजेस आए ना, उसके बाद का 15-16 के बाद में जो चेंजेस हुए हैं अब तक, उसके ऊपर ये रैंकिंग है जो कि डिफाइन करी गई है। सबसे बेहतर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अंदर है, यूटीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा। ओके, राज्यों के अंदर अगर मैं बात करूं, बड़े राज्यों के अंदर, तो तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है और केरला है। पुडुचेरी मतलब यूटीज तो क्या छोटी है ना, तो यूटीज तो इसके अंदर है ही, खैर मेजरली। लेकिन स्टेट की बात करूं तो सिक्किम और मिजोरम छोटे राज्यों में, और बड़े राज्यों में तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और केरला। सबसे जो लो सोशल प्रोग्रेस है वो है झारखंड की, बिहार की और आसाम की। तो ये 3 राज्यों की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, चलिए जनसत्ता के बारे में बात करें तो फ्रंट पेज में कुछ भी खास ऐसा नहीं है, है ना। और डीफे टेक्नोलॉजी के बारे में भी बाकी सारे न्यूज़पेपर में चर्चा में थे। डीफे टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है डीफे टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी एक बॉडी किसी और की, चेहरा किसी और का, बातें किसी और की, वॉइस ओवर किसी और का, इस तरीके से दोस्तों मैनिपुलेशन करते हैं और लोगों की जो पर्सनल आइडेंटिटी है उनको बहुत नुकसान पहुंचता है, है ना। जनता जनता है, उनको तो लगता है हाँ यही बोल रहा होगा। उनको क्या पता कि भाई किसी ने इसकी आवाज का मेकओवर किया है, चेंज किया है, इसकी ये फोटो है ही नहीं, किसी और की है, ऐसे बहुत चीजें होती है। तो डीफे टेक्नोलॉजी को लेकर दोस्तों साइबर क्राइम, साइबर स्पेस जो एडमिनिस्ट्रेशन चाइना का है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। ओके, तो उन्होंने दोस्तों क्या किया है कि इस टेक्नोलॉजी और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए इसके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है जो कि चाइना लेके आया है, समझ गए। डीप सिंथेसिस यही होता है, डीफे टेक्नोलॉजी यही होती है। 2017 के अंदर इसका रेडिट है ना ने यूज है जो कि इस वर्ड को किया था। ओके, लोग क्या करते हैं, गूगल का ओपन सोर्स है, गूगल से कुछ भी उठाते हैं डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी से, है ना, कई सारे पोर्नोग्राफिक वीडियोस, कई सारे और ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें जो कि बना देते हैं। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें, उन्होंने तो स्पेशली कोड ऑफ प्रैक्टिस तक जो है वो लेके आए हुए हैं ताकि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि आगे नहीं बढ़ सके, है ना। जो भी कंपनी है उन सबको इस कोड ऑफ प्रैक्टिस को अपनाना पड़ेगा, पहले उनको चेक करना पड़ेगा अपने लेवल पे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जा रही है तो उसमें डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज तो नहीं हुआ है ना, कोई फेक अकाउंट तो नहीं बने ना। यूएसबी इसके ऊपर बहुत सीरियस है। हमारे कंट्री की बात करें तो हमारे यहाँ पे अभी तक कोई लीगल रूल्स इसके ऊपर नहीं है डीप फेक टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। हालांकि कुछ स्पेसिफाइड लॉज जरूर है, जैसे कि आपने मिसयूज किया टैग का, कॉपीराइट वायलेशन, डिफामेशन, ये सब जो है छोटे मोटे लॉज है जो कि हमारे यहाँ पे अभी भी है, जिसके ऊपर इन्हीं से ही जो है इनके ऊपर केस जो कि किया जा सकता है। आगे बात करते हैं तल चप्पर सेंचुरी के बारे में। रिसेंटली दोस्तों तल चप्पर सेंचुरी जो कि चूरू के राजस्थान के अंदर है, उनको एक प्रोटेक्टिव कवर है जो कि मिला है। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया था, उनका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना, जो क्या बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन, हर एक देखो कोई भी नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, कुछ भी हो, उसके आसपास एक इको सेंसिटिव जोन होता है कि उसके आसपास किसी भी प्रकार से कोई कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके इको सेंसिटिव जोन को कम कर दिया था। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो सेंचुरी है उसको प्रोटेक्शन मिल गई है कि वो एरिया कम नहीं हो सकता है, ठीक है गाइस। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने दोस्तों ये मेजर प्रोजेक्ट लिया कंजर्वेशन का इस सेंचुरी के अंदर, और इस एरिया को भी बढ़ाया। अब स्टेट गवर्नमेंट से रिड्यूस करने में लग रही है, तो वो तो फिर उन्होंने जो है, ठीक है, कोर्ट से जो है इसको ले लिया। ये आप देख सकते हो ब्लैक बक बहुत ही फेमस है तल चप्पर सेंचुरी राजस्थान के अंदर। ये डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया, ये कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सज्जनगढ़ सेंचुरी, सीता माता सेंचुरी, है ना, दरार नेशनल पार्क, रणथंबोर, केवला देव, सरिस्का, ये राजस्थान के कुछ वाइल्ड लाइफ्स हैं। और तल चप्पर की बात करें तो अपने थार डेजर्ट जो है ना वहीं पर ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, और ब्लैकबर्ग जो है
वो आपको मेजरली यहीं पे देखने को मिलेंगे। 1966 में इसको सेंचुरी बनाया गया। ये एक हंटिंग रिजर्व दोस्तों उस जमाने में जो है रॉयल फैमिली ऑफ बीकानेर के लिए दोस्तों इस एरिया को बनाया गया था, है ना। तल का मतलब होता है जो प्लेन लैंड होता है उसको कहते हैं, ठीक है गाइस। चलिए ब्लैक बक केस के अंदर तो आपको मालूम ही है सलमान खान भी दोस्तों जो है आज तक चक्कर है जो कि लगा रहे हैं कोर्ट के, जोधपुर कोर्ट के। तो ब्लैक बक जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो कि एंटीलोप की मानी जाती है इंडिया और नेपाल के अंदर और हमारे कई सारे राज्यों के अंदर आपको देखने को मिलता है। ग्रासलैंड के अंदर दोस्तों ये बहुत फ्लॉरिश करते हैं, ठीक है। और जो विश्नोई समाज है राजस्थान के अंदर वो इनको एक तरीके से गॉड है जो कि ब्लैक बक को कंसिडर करते हैं। चलिए तो वो उन्होंने बहुत काम किया है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में है, 72 में, IUCN के लीस्ट कंसर्न में और साइट्स के अपेंडिक्स 3 के अंदर ये लिस्टेड है। इको सेंसिटिव जोन मैंने आपको बताई दिया है दोस्तों। 1986 के जो अधिनियम है उसके तहत एनवायरनमेंट मिनिस्टर के द्वारा नोटिफाई है जो कि किया जाता है, मिनिमम इंपैक्ट है जो कि उस एरिया के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों मार्च 2022 में 1 किलोमीटर का एरिया है जो कि डिफाइन किया था। इसके अलावा वर्ल्ड का फर्स्ट ऑपरेशन है जो कि स्टेम सेल के माध्यम से हुआ। कई बार क्या होता है जैसे हार्ट के अंदर है ना, एक बच्चा था जिसके हार्ट के अंदर जो थी वो डैमेज थी हार्ट का एरिया, तो क्या किया गया कि बोन मैरो जो बॉडी के अंदर जो बोन मैरो के अंदर जो आपके स्टेम सेल्स होते हैं ना उनको निकाला गया और इंजेक्ट किया गया जो कि सेल्फ हीलिंग का काम करते हैं। और उन्होंने क्या किया, हार्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और वो सही होने की थोड़ा तरफ काफी एडवांटेज है जो कि देखने को मिले। तो वर्ल्ड की फर्स्ट इंग्लैंड के अंदर दोस्तों ये हार्ट सर्जरी करी गई जिसके अंदर स्टेम सेल को काम में लिया गया है, ठीक है गाइस। तो स्टेम सेल को डायरेक्टली जो है वो हार्ट ऑफ द हार्ट जो है पेशेंट का वहां पर इसको इंजेक्ट किया जाता है और वो सेल धीरे धीरे ग्रो करते हैं और उसके बाद में एबिलिटी ग्रो करने की तो होती है और उसके बाद में वो उस एरिया को बेहतर बनाते हैं। तो ये इस टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है क्राइम। और आगे बात करते हैं, डैशबोर्ड बनाया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। क्रिमिनल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, तो ये डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बोला गया है एजेंसीज को ताकि सारे मिलकर जो है एक सिंगल प्लेटफॉर्म से क्या कर सके, क्रिमिनल का डाटा है जो कि ले सके। इसके बारे में पहले भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, कुछ खास इसमें नहीं है। दिल्ली के 5 वोकैबुलरी की बात करें, टेंजिबल का मतलब होता है कोई भी चीज जिसको आप टच कर सको देख सको उसको टेंजिबल कहते हैं, है ना। रेटिन्यू का मतलब होता है कोई भी ग्रुप है आपके साथ में, कई लोग हैं, एंटोरेज, ये सब वर्ड बहुत अच्छे हैं, है ना, पेपर में कई बार आते हैं। और कंटेंशियस का मतलब है जो विवादास्पद कोई चीज होती है उसको कहते हैं। और रॉड का मतलब है कोई पर्टिकुलरली स्पेसिफिक या कोई फिक्स चीज है उसको हम लोग रॉड कहते हैं। अडेज का मतलब होता है कहावत, है ना, जो हम लोग मैक्सिम जिसको हम लोग कहते हैं, ओके, अफोरिज्म कहावत उसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर का कैप्सूल बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है जहां पे आप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि कवर कर सकते हो डिटेल के अंदर पिछले एक साल के करंट अफेयर के, आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में CHSL का बैच चल ही रहा है मात्र 999 रुपीज में, आप इसको ज्वाइन करके आप अपना CGL का Tier 1 Tier 2 की भी तैयारी कर सकते हो, वो भी बैच अवेलेबल है। T2 की भी कर सकते हो, T2 की आपको तैयारी जो है वो CHSL के साथ में हो जाएगी। ऑलराइट, GD की भी आप कर सकते हो, आपको Class 24 ऐप डाउनलोड करनी है, प्रिपरेशन पे जाइए, यहाँ पे सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे और आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। MCQs की बात करें, आज का पहला सवाल है जो कि इको सेंसिटिव जोन को लेकर है, 2014 के सिविल सर्विसेज में आ चुका है। पहला स्टेटमेंट है कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में आता है। दूसरा, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया जाता है एग्रीकल्चर के अलावा। आंसर क्या होगा, दोनों ही दोस्तों गलत है, ठीक है, है ना। इको सेंसिटिव जोन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, इसके लिए अलग से कानून है जो कि 1999 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है डीप फेक टेक्नोलॉजी को लेकर। डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जिसमें रिप्लेस करे जाते हैं एक पर्सन को अनदर पर्सन के वीडियो से या फिर डिजिटल मीडिया से। GI टैग को लेकर है, त्रिपुरा हैज गॉट फर्स्ट एवर जियोलॉजिकल इंडिकेशन टैग टू इज कार्पो एप्रिकोट। और तमिलनाडु के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग है, ऐसा है क्या, तमिलनाडु के पास है क्या, कल परसों तो पढ़ा था हमने, ये भी दोनों ही गलत जवाब है, ठीक है गाइस। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है पासपोर्ट इंडेक्स को लेकर, इंडिया की रैंक साउथ अफ्रीका से बिलो है, केरला के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल है जिनके पास पासपोर्ट है। हमारे देश में 10 करोड़ पासपोर्ट यूजर है और जिसमें से मैक्सिमम केरला में आपको मिलेंगे और साउथ अफ्रीका से रैंक हमारी नीचे है। अगला सवाल कार्बन क्रेडिट को लेकर, कौन से समिट में कार्बन क्रेडिट के बारे में बात हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हुई थी। और इसके अंदर क्या होता है, कार्बन क्रेडिट से फिक्स टाइम में आप इन्वायरमेंट को ध्यान रखने के लिए
एक से दूसरे कंट्री को आप कार्बन क्रेडिट देकर पैसे लेते हो अगर आपने कार्बन इमिशन कम किया है, तो ज्यादा किया है तो आपको खरीदने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो ये था दोस्तों आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। पीडीएफ के लिए आप क्लास 24 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको बाकी कोर्सेज भी मिल जाएंगे। साथ में लर्न विद बुनेश सर इस यूट्यूब चैनल पर जाके आप कई सारे करंट अफेयर के वीडियोज भी देख सकते हैं। आज के लिए